हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं राधे कैसेट के माध्यम से अगला गीत इस प्रकार से है। गीत इस सामाजिक देने के लिए जा रहे हैं, किस तरीका से हमारे बहुजन समाज के लोग आज भी नकली देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और उन्हीं के मंदिर मस्जिद में जाकर के माथा पटकते हैं। पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं और भगवान के सहारे उनका जीवन नष्ट होता चला जा रहा है। लेकिन आप लोगों से कहना है, आहो से पत्थर पिघलेगा, अरे इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भगवान के भरोसे तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा तो संविधान के तहत, कहना है। आहों से पत्थर पिघलेगा, अरे इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। बुलाकर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। बुला बुलाकर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। यहाँ अब छप्पर फाड़ के धन नहीं पैदा होगा। मैंने बताया, बिना कर्म किए बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला। और ना माना तो दो चार महीना भगवान के सहारे बैठ के देखो और रोड पे कटोरा लेकर के ना आ जाना तो हमें बताना। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। देर भले या देर न होगा, ढोंगी लोग बताते हैं भरोसा करो, देर है अंधेर नहीं, तुमको देर लगाते लगाते मरघट तक पहुंचा देंगे लेकिन मनोकामना पूरी नहीं होगी। देर भले या देर न होगा, इस धोखे में मत रहना। समय एक परिवर्तन होगा, इस धोखे में मत रहना। धोखे में मत रहना,
साथ मिलेगा इस धोखे में मत रहना। बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की, संत गुरु रविदास की।